जनपद के कोविड के नोडल अधिकारी तथा अवस्थापना व औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने कलेक्ट्रेट में स्थित कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जनपद के कोविड के नोडल अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों के कोविड के नोडल अधिकारियों को जनपद को तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को देखने के लिए भेजा गया है तथा निरीक्षण के दौरान जनपद में हुए वैक्सीनेशन की जानकारी ली गई है तथा 31 जनवरी तक का लक्ष्य है कि सभी लोगों को पहला डोज लग जाए तथा 15 साल से 18 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, जिसके लिए स्थानीय पार्षदों, निगरानी समितियों, कॉलेज के प्राचार्यों का सहयोग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, जितने हॉस्पिटल हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है तथा जनपद में एम्स भी चालू हो गया है, जिसमें 400 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है तथा जिन लोगों को कोविड हो रहा है ऐसे लोग होम आइसोलेशन में रहें तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ICC के नोडल अधिकारी सुनीता पटेल तथा जनपद के कोविड के नोडल अधिकारी तथा अवस्थापना व औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने कहा, और बढ़ा देंगे सर। विभिन्न विभागों के लिए सर ने हमें निर्देश दिया है, विभागों के जो अन्य विभाग को भी लगा देंगे सबको, हमने कॉल करें। इससे है कि डेली जो है हमसे 15 से 20 हज़ार कॉल कर सकते हैं सर का निर्देश है सर। एवरी पेशेंट हु बिकम्स पॉजिटिव वो तो चार लोग की समिति बनी है, ये लोग वार्ड में घूम के अपना देखते हैं, जो अगर संदिग्ध मरीज दिखता है उनके लक्षण शहर वाली है शहर सभी, उसमें जैसे अभी हमने इसके ऊपर सवाल में पता किया, चुकी तो करा दिए गए हैं, और जहाँ नहीं अगर कोई पार्षद बाहर थे जिनको भी उपलब्ध हो जाएगा, तो ये लोग घूम के देखते हैं कोई अगर संदिग्ध दिखा तो ये तो फीडबैक सर। हमने यहाँ पे वैसे कर रखा है कि यहाँ पे जो है 3 घंटे सारे एडिशनल CMO की ड्यूटी लगा रखी है और मैं खुद आकर के देखता हूँ सर, तो उसके हिसाब से लीडर से मैं बात कर रहा हूँ है तो को संपर्क करेंगे, वहाँ से या तो टीम देंगे या नहीं तो उनकी मदद के लिए हम टेस्ट कराएंगे। अब उस मौके पर ही देख लेंगे क्या आइसोलेशन लायक है या तो उसके हिसाब से लेंगे। वो तो वो जो करेंगे, एक चीज जो निगरानी समिति बनी है वो एक्टिव है, सब काम कर रही है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए उनको भी सीधा देना है ना। तो वहाँ सूचना हम लोगों को मिलती है, तो एक पांच से फिर उसकी समस्या का निस्तारण करते हैं। आपके पास में इसके लैंडलाइन नंबर हैं या सब मोबाइल लैंडलाइन दो मोबाइल है, जो पब्लिक को हमने दिए 4 नंबर है, 2 मोबाइल से 2 पर लैंडलाइन के, बाकी यहाँ पे सब मोबाइल है। और तो यहाँ से फीडबैक लेने के और कौन तो सभी के पास फोन है। नंबर है, कॉल कर करके
कितनी शिफ्टों में डर लगता है? ये तीन शिफ्ट में 24 घंटे लोग हमारे पास डेली 15 से 20 कॉल आते हैं। इनकमिंग ज्यादा है या आप लोग ज्यादा करते हैं? इधर से सब ज्यादा है, इधर से डेली पेशेंट की सूची में जाते हैं, उधर अंदर टीम बैठा हुए हैं, वो लोग एक्टिव कॉल कर रहे हैं। आप तो दवाई के पैकेट मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है लोगों को? 100% फिगर आ रहा है। मैं डिप्टी DHIO सुनीता पटेल, ICC नोडल स्वास्थ्य विभाग से। यहाँ के निरीक्षण में काफ़ी कुछ अच्छा मिला और सारे काउंटर पे जाके सर ने अपना जानकारी लिया और प्रेजेंटेशन मैं कर रही थी, मैंने सारे काउंटर पे ले जाके सर खुद बताया कि कहाँ कहाँ से कौन सा काम होता है। यहाँ से चूँकि डॉक्टर्स की टीम भी है और RRT की टीम मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है, निगरानी समिति मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम बनी हुई है, होम आइसोलेशन पेशेंट से कॉल करने के लिए बनी हुई है, सैनिटाइजेशन मॉनिटरिंग के लिए टीम बनी हुई है। तो सारे काउंटर पे डाटा फीडिंग जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रहा है उसकी डाटा फीडिंग के लिए भी टीम बनी हुई है। तो सारे काउंटर पे सर गए हैं और सारे लोगों से जानकारी प्राप्त किए हैं और काफ़ी अच्छा रहा है, सभी लोगों ने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया है और सर जाते जाते काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त किए हैं और कहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। नहीं, वो हम सभी नोडल अधिकारियों को जो है सभी जनपदों के हैं उनको जनपदों में यही जायज़ा लेने के लिए भेजा गया है कि कोविड के लिए पूरी तैयारियां हम लोगों की हैं या नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन उसको हमें 100% सुनिश्चित कराना है। 31 जनवरी तक का टारगेट ये है कि सबको फर्स्ट डोज लग जाए जितने भी लोग हैं, और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी हम वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज जो है वो हम इंश्योर करा लें 31 जनवरी तक। तो ये हमारा टारगेट है, इसमें हम सभी का सहयोग ले रहे हैं, निगरानी समितियों का भी ले रहे हैं, जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उनके प्राचार्यों का भी ले रहे हैं, ग्राम मोहल्ला निगरानी समितियों का तो हो ही रहा है। तो सभी सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को मोबिलाइज़ किया है, जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको स्टेट ऑफ रेडीनेस में रखा जा रहा है। गोरखपुर में सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि एम्स एक अच्छी फैसिलिटी, आज मैंने उसका भी निरीक्षण किया था, तो उसमें भी हमारे लगभग 400 के करीब बेड्स ऑलरेडी क्रियाशील हो गए हैं, अनदर 400 आर गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन अ मंथ्स टाइम। तो अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जनपद पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ आवश्यकता अब इस बात की है कि लोग आइसोलेशन गाइडलाइंस का पालन करें, जिनको पॉजिटिविटी हो जा रही है, खतरा इसमें बहुत ही मिनिमल है, लेकिन हमें वैक्सीनेशन इसमें जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो सभी के सहयोग की हम अपेक्षा करेंगे आपके माध्यम से कि वो जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लिया है वो अपने आप सामने आए और अपने आप को वैक्सीनेशन कराएं। तो तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या है? तो यही सब उसी के लिए तो है, तीसरी लहर से निपटने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएँ हो रही हैं कि वैक्सीनेशन को हम 100% कम से कम फर्स्ट डोज कर ले जाएं और सेकंड डोज की भी मैक्सिमम हम परसेंटेज कर लें, और जो 15 से 18 ग्रुप का है उनको कर लें। और अभी चूंकि इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं तो इलेक्शन की जितनी भी हमारे पर्सनल हैं उन सबका भी 100% हम वैक्सीनेशन इंश्योर कर लें। दिस इज़ व्हाट इज़ आवर प्रायोरिटी।